बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 22nd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अबाउट मॉडर्न मटेरियल्स है। इसमें लास्ट टाइम हमने टू कैटेगरीज ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स डिस्कस किए थे, दैट इज़ द लिक्विड क्रिस्टल्स एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिरेमिक्स, फाइबर ग्लास एंड द थिन फिल्म की थ्री कैटेगरीज है। इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सो सिरेमिक्स क्या हैं? सिरेमिक्स दे आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक सॉलिड मटेरियल्स। क्या है? इनऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मेटेलिक भी और नॉन मेटेलिक भी। तो ये क्या है? नॉन मेटेलिक हैं, मतलब इसमें मेटल्स इन्वॉल्व नहीं होती, नॉन मेटल्स इन्वॉल्व होती हैं और सॉलिड मटेरियल हैं, जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसकी एक बहुत ज़्यादा वेल नोन एग्जांपल है ग्लास, विच इज़ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लास इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है, जब आपने सॉलिड पढ़े थे तो सॉलिड में मैंने दो कैटेगरीज ऑफ सॉलिड पढ़ाए थे, दैट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। अब जो ग्लास है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सिरेमिक पोजेसिस अ कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर और आयन बॉन्डिंग और अ कम्बिनेशन ऑफ द टू। अब इसमें क्या हो सकता है? कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर हो सकता है, आयन बॉन्डिंग हो सकती है। कोवलेंट नेटवर्क मतलब जैसा ग्लास में है आप जिस तरह से हमने देखा, या डिफरेंट आयन्स बॉन्ड कर सकते हैं, या कुछ में इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। लेकिन जो भी हो, जो भी सिरेमिक बनता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल आप ग्लास से देख सकते हो कि ग्लास को नीचे जैसे ही फेंक जाए वो फ़ौरन बिखर जाता है, टूट जाता है, दैट इज़ अ ब्रिटल। लेकिन हार्ड वैसे सख्त होता है, बट स्टेबल टू हाई टेम्परेचर। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, हार्ड, ब्रिटल एंड स्टेबल टू हाई टेम्परेचर, जो तकरीबन तमाम की तमाम सिरेमिक जो है वो विदस्टैंड करते हैं। इसमें कॉमन एग्जांपल आ जाती है आपके पास पोटरी है, चाइना क्ले है, सीमेंट है, रूफ टाइल्स हैं, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं जो कि फर्नेस वगैरह में यूज़ होती हैं। इसके अलावा स्पार्क प्लग्स के जो इंसुलेटर्स हैं, जो आप जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की जो वो होती हैं, स्पार्क प्लग्स होती हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग की जाती है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास सिरेमिक में इंक्लूड होता है। डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में ये मौजूद हैं, जैसे आपके पास जो ऑक्साइड ज़्यादातर हैं दे आर सिलिका विद डिफरेंट ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स और एलुमिना विद डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स। तो इसमें या तो सिलिकेट्स की फॉर्म में ये होगा या ये एलुमिनेट्स की फॉर्म में होगा। ज़ाहिर बात है, जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे सिलिकॉन के साथ, देन दे विल प्रोड्यूस्ड सिलिकेट्स। तो उस केस में हमारे पास सिलिकेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, और जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एलुमिना, देन दे विल प्रोड्यूस्ड एलुमिनेट्स। तो ये जितने भी सिरेमिक्स हैं दे आर एक्चुअली द सिलिकेट्स और एलुमिनेट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स। अब इस केस में अगर हम देखें तो जो सिरेमिक में फर्स्ट वन आता है, इट इज़ द इंजीनियरिंग सिरेमिक्स। इंजीनियरिंग सिरेमिक्स जो है वो किसी भी दूसरी इंजीनियरिंग मटेरियल को रिप्लेस के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके पास है मेटल, जैसे आपको पता है ना आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने यूज़ करना है कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल, तो वो मेटल भी यूज़ होती है, रॉड्स वगैरह, ठीक है, या वूल है, प्लास्टिक्स हैं। तो इन सब को जब वो सिरेमिक मटेरियल रिप्लेस करेगा इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, देन इट इज़ टर्म एज द इंजीनियरिंग सिरेमिक्स। ये जो इंजीनियरिंग सिरेमिक्स हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, कोरोजन, वियर एंड टेयर एंड यूज इन हाई टेम्परेचर डिवाइसेस। हीट रेजिस्टेंट हैं, इसके अलावा जो वेदरिंग की वजह से वियर एंड टेयर इफ़ेक्ट होता है और हाई टेम्परेचर डिवाइसेस में वो उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा इनको यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट मिसाइल्स में, स्पेस क्राफ्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आपने स्पेसशिप भेजी है या कोई भी रॉकेट भेजा है ऊपर, तो उसने रेजिस्टेंस फेस करनी है विद एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी तरह जब वो वापस आएगा तब उसने रेजिस्टेंस फेस करनी है, और उस रगड़ की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है
तो उस टेम्परेचर को विदस्टैंड करने के लिए उस पूरे के पूरे क्राफ्ट के ऊपर जो है वो इंजीनियरिंग सिरेमिक्स को कोट किया जाता है, विच वेट अबाउट 40% बाय वेट ऑफ द सिरेमिक्स। द ओनली डिसएडवांटेज क्या होता है, जो एक डिसएडवांटेज वो ये कि ब्रिटल हैं, जो उसकी मेन प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट में पढ़ी कि ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड तो हैं, स्टेबल भी हैं हाई टेम्परेचर पे, बट दे आर ब्रिटल, मतलब आसानी से टूट जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है उसको विदस्टैंड नहीं कर पाते। इसी तरह से सिरेमिक में दूसरी चीज़ आ जाती है कंपोजिट्स। कंपोजिट क्या हो जाता है, कंपोजिट कोई भी कम्बिनेशन, मतलब कि अगर आप सिरेमिक को कंबाइन करेंगे फाइबर के साथ ताकि फ़ाइबर की स्ट्रेंथ वो मतलब ब्रिटल ना रहे, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए, तो वो जो नई चीज़ बनेगी इट इज़ कंपोजिट। कंपोजिट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपने जिस तरह से एक में कहूँ कि पेंसिल आपने बनानी है, पेंसिल के अंदर देखें वुड भी इस्तेमाल हो रही है, पेंसिल का जो सिक्का है ग्रेफाइट का है, ठीक है, फिर उसके ऊपर रेज़र लगा हुआ है जो प्लास्टिक का है, रेज़र के साथ छोटी सी मेटल जिसके अंदर वो सील्ड होता है वो मेटल का होता है, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड मेटल प्लास्टिक एंड ग्रेफाइट, तो इट इज़ अ मटेरियल विच इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या है कि जब डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में मिक्स किया जाता है देन दे आर कॉल्ड एज कंपोजिट। तो इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए टू मेक इट लेस ब्रिटल कि वो आसानी से टूटे ना, उनको मिक्स करवाया जाता है फाइबर्स के साथ, तो जो इसके नतीजे में मटेरियल प्रोड्यूस्ड होता है इट इज़ कॉल्ड एज कंपोजिट। तो कंपोजिट जो है दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू क्रैक फेलियर, जिसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड जिसे के कार्बोरंडम भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक टफ़ कोटिंग बना देते हैं फाइबर के साथ इनकॉर्पोरेट होके, जिसकी वजह से उसकी ब्रिटलनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये आपके पास थे सिरेमिक्स, जिसमें हमने इंजीनियरिंग सिरेमिक्स और कंपोजिट सिरेमिक कंपोजिट्स देखे। नेक्स्ट आर द एप्लीकेशन ऑफ सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या है, पर्टिकुलरली न्यू सिरेमिक कंपोजिट्स आर वाइडली यूज्ड इन कटिंग टूल इक्विपमेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी स्टैंड करते हैं और हार्ड हैं। सो जैसे आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी इसमें, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिट्स में, तो सिलिकॉन कार्बाइड को यूज़ करते हैं टू कट कास्ट आयरन एंड निकल बेस्ड अलॉय, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसके अलावा ग्राइंडिंग के लिए, व्हील्स को एब्रेशंस देने के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, इन तमाम जगहों पे इनको यूज़ किया जाता है। तो इनका यूज़ कहाँ पे है, कटिंग टूल इक्विपमेंट्स में, क्योंकि ये हार्ड हैं। इसके अलावा अगर इसमें सेमी कंडक्टर्स इंटीग्रेट सर्किट्स बनाए जाएँ, तो वो जो हैं वो ज़्यादा बनाए जाते हैं ऑन सिरेमिक सब्सटेंसेस लाइक एलुमिना। मतलब आपने अगर क्या करना है, सेमी कंडक्टर सर्किट बनाना है, सेमी कंडक्टर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या होते हैं, वो मटेरियल्स हैं के जिन पे जब लाइट फॉल करती है तो तब वो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं। तो उनमें क्या है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तक जाना होता है, तो इनको भी इसके ऊपर ही माउंट किया जाता है सिरेमिक मटेरियल्स के। इसके अलावा थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, दीज आर आल्सो सिरेमिक मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो लिमिट कर जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है देयर कंडक्टिविटी आर डिक्रीज्ड, तो ये वो हैं जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, और इनको हीटिंग एलिमेंट्स और हीटिंग स्विचिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर्स, ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो सिरेमिक। तो सिरेमिक की अगर हम देखें तो सिरेमिक की फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो है वो किस उसमें आई आपके पास, इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन आई कटिंग टूल्स में, सेकेंड एप्लीकेशन इसकी आई फॉर द ग्राइंडिंग व्हील्स एंड द एब्रेशंस, थर्ड आई इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, फोर्थ आई इसकी इन द थर्मिस्टर्स, के थर्मिस्टर वो मटेरियल है जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी, फॉर दे आर द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिरेमिक्स आर यूज एज सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स क्या है, जैसे यहाँ पे अगर ऑक्साइड्स हैं लेंथेनम के, बेरियम के, कॉपर के, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं विच आर एक्टिंग एज सिरेमिक्स, तो ये सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर है। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है कि इवन अब देखिए जैसे टेम्परेचर कम होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, तो
इसमें क्या है कि जैसे जैसे कंडक्टिविटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता विद द चेंज इन टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पे भी दे आर गुड कंडक्टर्स। जो डिस्कवरी ऑफ हाई टेम्परेचर कंडक्टिविटी है इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड हैज़ एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड कुड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। तो इतने भी जहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटर करना है और टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टिविटी पे कोई फ़र्क ना पड़े तो वहाँ पे जो है वो इन तमाम सिरेमिक्स को यूज़ किया जाता है। तो ये थे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मटेरियल दैट आर सिरेमिक्स। सेकेंड कैटेगरी है आपके पास फाइबर ग्लास। ये छोटा सा टॉपिक है फाइबर ग्लास का। फाइबर ग्लास क्या है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉपिंग मोल्टन ग्लास इनटू अ रिफ्रैक्टरी रोटरी डिस्क, रोटेटिंग डिस्क। द ग्लास फ्लाइज ऑफ द डिस्क एंड फॉर्म फाइबर्स। देखिए क्या होता है कि एक किस्म की डिस्क होती है, ठीक है, उस डिस्क में सुराख हैं, जैसे छलनी नहीं होती, या ये इसी तरह से है बहुत छोटे छोटे सुराख कि जैसे आप मैदे की डो बनाएं और उस डो पे जो हैं वो को इस तरह की छलनी से गुजारें तो नीचे आपके पास सवैयाँ निकलती हैं, आपने देखा होगा ये प्रोसेस, ठीक है ना। तो सवैयाँ निकलती हैं, नूडल्स निकलते हैं, जो भी कह लें। तो इसमें भी इसी तरह से है कि आपने क्या करना है, ऊपर से मोल्टन ग्लास जो है, ग्लास को मोल्टन फॉर्म में लेना है, मोल्टन ग्लास को, और इस रिफ्रैक्टरी रोटेटिंग डिस्क, एक रोटेटिंग डिस्क है उसमें से पास करना है। ये रोटेट करेगी तो बहुत छोटे छोटे सुराख हैं और नीचे से जो है वो ग्लास के छोटे छोटे फाइबर्स प्रोड्यूस होंगे विच इज़ कॉल्ड फाइबर ग्लास। तो फाइबर ग्लास जो है इसकी बहुत वेल नोन एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि कंडक्टिविटी में यूज़ होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम सिलिका ग्लास, ठीक है। तो ये भी ग्लास की एक टाइप है सिलिका ग्लास। इट इज़ हैज़ एक्सेलेंट ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी एंड शुड बी एक्सट्रीमली प्योर। अगर इसमें इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगी कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कम कर जाएगी। सो इम्प्योरिटी सच एज कॉपर एंड आयरन हैव टू बी रिड्यूस टू लेस देन 1 पार्ट पर बिलियन एंड द सिलिका ग्लास यूज फॉर ऑप्टिकल फाइबर इज मेड डायरेक्टली बाई वेपर फेस रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन 4 क्लोराइड। तो सिलिकॉन 4 क्लोराइड, ठीक है, सिलिकॉन 4 क्लोराइड का डायरेक्ट रिएक्शन होता है विद ऑक्सीजन, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा और आपके पास जो है वो सिलिकेट प्रोड्यूस्ड होता है सिलिका ग्लास की फॉर्म में। और फिर जो है इसको फिर इस प्रोसेस के थ्रू मोल्ड करवाया जाता है इनटू फाइबर ग्लास, ठीक है। और फाइबर ग्लास जो है वो किस तरह से, ये थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट इसमें एंटर होगी एक ख़ास एंगल, और तमाम की तमाम लाइट विदाउट एनी सिग्नल, सिग्नल एंटर होंगे एंड द सिग्नल विदाउट एनी क्या कहते हैं उसे ड्रॉपिंग, मतलब कि वो लॉस नहीं होंगे, विदाउट एनी लॉस, ठीक है, विदाउट एनी लॉस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो जाएंगे। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब आप कंडक्टेंस करते हैं थ्रू वायर्स तो जब वो इसमें एंटर होता है तो बहुत सारा हिस्सा लॉस्ट हो जाता है बाहर की तरफ, लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो एक ख़ास एंगल पे एंटर होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है एंड 100% एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा आजकल बार बार यूज़ होता भी है ये वर्ड ऑप्टिकल फाइबर, के हम जो केबल ऑप्टिकल फाइबर्स में कर रहे हैं, टेलीफोन के सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर्स के में आ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, ताकि जो सिग्नल्स हैं वो 100% प्योर एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट हो जाएँ और जो पुरानी केबल्स थी उनको ये रिप्लेस कर रहे हैं। सो द फाइबर इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर रीजन इन विच लाइट इज़ ट्रांसमिटेड एंड द फाइबर ऑफ थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर कैन बी प्रिपेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई थिन फिल्म ऑफ सिलिकॉन और ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो इसके ये दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसे कोर कहते हैं, इसके ऊपर कोटिंग होती है। कोटिंग इसमें किस चीज़ की होती है? कोटिंग इसमें होती है ऑर्गेनिक पॉलीमर की, ठीक है, ताकि वो उसकी उसको प्रिवेंट कर सके और यहाँ से जो है वो लाइट ट्रांसमिट होती है। So fiber glass is used to make panel in cars and is useful material for aircraft components. अच्छा, ये तो ऑप्टिकल फाइबर तो इसका एक यूज़ था, इसके अलावा फाइबर ग्लास को यूज़ करते हैं चूँकि ये इस तरह से है जिस तरह से आपने रुई होती है ना रुई, तो ये ग्लास वूल है एक्चुअली, मतलब कि ग्लास को आप इस तरह से थ्रेड की फॉर्म में ले लें और फिर मैं इसकी एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये आपके पास जो है वो फाइबर ग्लास है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटे छोटे बारीक ग्लास के जो हैं वो रेशे हैं, जिन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है विद सम मटेरियल, और फिर इसको जो है वो स्ट्रेंथनिंग, चूँकि लाइट वेट होते हैं तो स्ट्रेंथनिंग के लिए और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये देखें, ये आपके पास जो है वेब फॉर्म है, मतलब कि जिस तरह से कपड़ा नहीं बुनते, इस तरह ग्लास फाइबर को जो है वो वेब फॉर्म में लाया गया है ताकि इसको लाइट वेट, जिस तरह से एयरक्राफ्ट का जितना स्ट्रक्चर है सारा कुछ, उसको बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट टेलीविजन प्रोग्राम, टेलीफोन कन्वर्सेशन, कंप्यूटर आउटपुट, डिसिपेटेड कॉपर वायर केबल्स यूज कन्वेंशनली, लेस इन्वेंशनली बी रिप्लेस बाय ऑप्टिकल फाइबर्स। जो मैंने अभी ऑप्टिकल फाइबर की बात बताई थी कि तमाम के तमाम सिग्नल्स कम्युनिकेशन जो है वो अब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म थी। उसके बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मटीरियल जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ अबाउट थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स क्या है? थिन फिल्म्स एक रेफर करती है फिल्म कोटिंग को, कि एक किसी भी चीज़ की एक बारीक सी थिन फिल्म, थिन मतलब बहुत बारीक, एक बिल्कुल बारीक सी फिल्म कोट की जाती है जिसकी थिकनेस है 0.1 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर। अगर इस डायमेंशन से ज़्यादा मोटी, मतलब उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाए 0.1 माइक्रोमीटर से 300 माइक्रोमीटर तक, तो तब हम उसको थिन फिल्म्स कंसीडर नहीं करते। अब इन थिन फिल्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये एग्जिबिट करती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? नंबर वन आपके पास है, इट शुड बी केमिकली स्टेबल इन द एनवायरनमेंट इन विच इट इज़ टू बी यूज़। अब हमने जहाँ पर उस थिन फिल्म को यूज़ करना है, ज़ाहिर है उस एनवायरनमेंट में उसे स्टेबल रहना चाहिए। इसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर हमने उसे अडहेयर करवाया है या जिस चीज़ के ऊपर कोट किया है, उस चीज़ के ऊपर ये अच्छी तरह से चिपक जाए जाके और उसको अच्छी तरह से कवर करे। थर्ड, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द सर्फेस। फिर इट शुड बी केमिकली प्योर, मतलब इसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम हो, ये ना हो कि पूरी फिल्म में इसकी कंपोजिशन चेंज हो। इसके अलावा इट शुड हैव लो डेंसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंस ना हो, लो डेंसिटी होगी तो अच्छी कवरेज होगी। एंड इट मे पोजेस सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जिसमें इंसुलेशन आ जाती है, सेमी कंडक्टिविटी आ जाती है, या कुछ ऑप्टिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तभी हम उसको किसी भी चीज़ के ऊपर कोट करेंगे ताकि उस चीज़ की वो प्रॉपर्टी इन्हेंस की जा सके, अडॉप्ट की जा सके। सो अब अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं बिटवीन द सरफेस एंड द फिल्म, कि जिस सरफेस के ऊपर फिल्म को बॉन्ड करवाना है, तो उनके दरमियान या जो सबस्ट्रेट मटेरियल है जिसके ऊपर से बॉन्ड करवाना है, तो इनके मैग्नीट्यूड कैसा होता है और कैसी बॉन्ड एनर्जीज होती हैं, तो वो अगर हम देखें तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ की वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती है एज़ द केमिकल बॉन्ड्स एंड मे बी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं या वैन डर वाल फोर्सेज हैं, मतलब इनका यही मैग्नीट्यूड होता है। या जो सबस्ट्रेट और फिल्म के दरमियान जो, यानी कि ये अगर आपके पास एक सबस्ट्रेट है और इस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने कोटिंग करनी है, तो ये जो कोटिंग है सबस्ट्रेट के साथ किसी भी टाइप की बॉन्ड बना सकती है, और वो जो टाइप ऑफ बॉन्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू इन्हें कोट किया जाता है। इनको हम वैक्यूम डेपोजिशन से भी कर सकते हैं, तो थिन फिल्म्स को बना सकते हैं वैक्यूम डेपोजिशन से। अब जिस मटेरियल को डिपॉजिट करवाना है एज अ थिन फिल्म, क्या करते हैं, जैसे ये सबस्ट्रेट है तो जिस चीज़ को भी हमने इसके ऊपर कोट करवाना है उसको पहले इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से हीट अप करवाएंगे। ठीक है, किस चीज़ में? इन वैक्यूम चैम्बर, क्योंकि वैक्यूम डेपोजिशन है ना, तो हमने क्या करना है, जिस चीज़ की डेपोजिशन करवानी है उसे हीट किया, इलेक्ट्रिकली हीट करें या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे आर हाई एनर्जी के होते हैं तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे। वैक्यूम में हमने करना है जिसका प्रेशर 10^-5 mm मरकरी हो। नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 760 mm मरकरी होता है 1 atmosphere। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया 10^-5, तो ये बहुत ही लो प्रेशर है। फिर
इस वैक्यूम में हमने कोई भी सबस्ट्रेट रख देना जिसके ऊपर आके वो कोट हो जाएगा। अब जो इसकी यूनिफॉर्मिटी है थिन फिल्म्स की, इट इज़ ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड एंड द मटेरियल विच कैन बी वेपराइज और वेपोरेटेड विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज ऑफ द डिकम्पोजिशन कैन बी यूज टू फॉर्म थिन फिल्म्स। मतलब कि आपने जिस चीज़ की उसके ऊपर कोटिंग करनी है उसको केमिकली यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपने अगर कोट करना है मैग्नीशियम फ्लोराइड का या सिलिकॉन डाइऑक्साइड का या एलुमिना का, तो इस केस में जब हम उसको हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करें और फिर वेपर्स आके उस किसी चीज़ पर डिपॉजिट हों, तो वो अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं तो दे शुड बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑन थिन फिल्म फॉर्म। जो थिन फिल्म उनकी बनेगी वो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ही होगी। अगर मैग्नीशियम फ्लोराइड डिपॉजिट करवाना है तो जब आपने उसकी कोटिंग की तो वो भी मैग्नीशियम फ्लोराइड ही रहेगा, वो केमिकली चेंज नहीं हो जाएगा, वो केमिकली स्टेबल रहेगा ड्यूरिंग इट्स डेपोजिशन। तो ये जो है वो वेपर डेपोजिशन का प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया है, किसी भी चीज़ को अंडर वैक्यूम इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट से हीट किया है और जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आपने उसको कोट करवाना है उसको रोटेट करवाएं उसके अंदर और उस पर आके वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है ऑप्टिकल लेंजेस, जिसका अक्सर जो है आजकल आपने देखा भी होगा कि ग्लासेस में जो लेंस यूज होते हैं उसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी कोटिंग होती है, वो अक्सर कलर्ड कोटिंग नज़र भी आ रही होती है, जिस तरह से नज़र का चश्मा है और आपने बहुत देर के लिए लैपटॉप यूज़ करना है, कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करना है, तो वो जो रेज हैं वो आँखों को नुकसान ना पहुँचाएँ, वो लेंस से फैले ना, तो उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर कोट कर देते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड की, सिलिका की या एलुमिना की, ताकि उसकी वो डिस्पर्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर थिन फिल्म्स को, ये तो फर्स्ट प्रोसेस था वैक्यूम डेपोजिशन को, दूसरा प्रोसेस जो कि होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फिल्म, इट इज़ स्पटरिंग। स्पटरिंग में क्या होता है, स्पटरिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ हाई वोल्टेज टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सोर्स और द टारगेट। अब स्पटरिंग में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं ताकि जिस सोर्स से मटेरियल आपने लेना है हाई वोल्टेज से वो मटेरियल जो है वो रिमूव हो। स्पटरिंग में क्या होता है कि एटम्स रिमूव होते हैं वन बाय वन, टारगेट मटेरियल से एटम्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड दे आर देन डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट मटेरियल। तो इस केस में आपने क्या करना है कि हाई वोल्टेज अप्लाई करनी है, इलेक्ट्रिकली उसको हीट करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे अंडर प्रेशर तो वो एटम्स जो हैं वो रिमूव होंगे फ्रॉम द टारगेट मटेरियल एंड देन विद इन अ चैम्बर, जो आयनाइज्ड गैस चैम्बर है उसके अंदर ही सबस्ट्रेट के ऊपर वो आके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब इस केस में हमने क्या करना है, जब चूंकि वोल्टेज बहुत हाई प्रोवाइड करना है और जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एक चीज़ कैथोड होती है और एक एनोड होती है, तो आपने जो टारगेट मटेरियल है उसे कैथोड रखना है और जिस चीज़ के ऊपर डेपोजिशन करवानी है इट वुड बी एनोड। तो इसको किस तरह से करेंगे कि एक को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और एक को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो कैथोड इट इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इट इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज़ एनोड और ये नेगेटिव है दैट इज़ कैथोड। तो कैथोड आपके पास क्या था, इट इज़ टारगेट मटेरियल। जैसे अगर मैंने एलुमिना की डेपोजिशन करवानी है तो मैं एलुमिना को एज अ कैथोड यूज़ करूँगी, और किस चीज़ पे मैंने डेपोजिशन करवानी है, मैंने किसी मेटल सरफेस पे करवानी है या मैंने प्लास्टिक पे करवानी है या मैंने वट एवर कोई भी सबस्ट्रेट जिससे मैंने करवानी है, इट वुड बी अ एनोड। क्लियर। तो ये आपके पास स्पटरिंग है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से एटम्स रिमूव होंगे टारगेट मटेरियल से, दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड और वहाँ जाके वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अब स्पटरिंग जो है इसका एक ये फ़ायदा होता है कि चूंकि इसमें एटम्स रिलीज होते हैं तो एटम जो है वो वन बाय वन जाके अडहेयर करेंगे टू द सरफेस, तो बहुत ही बारीक सी एक लेयर प्रोड्यूस्ड होती है जो कि अदरवाइज जो वैक्यूम डेपोजिशन थी उससे प्रोड्यूस्ड करना पॉसिबल नहीं होती। अगर आप
इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करें, तो इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करके हम मल्टी लेयर थिन फिल्म्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। मतलब कि इसमें हम डिफरेंट टारगेट मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाएं उसी एनवायरनमेंट में, और फिर उन डिफरेंट टारगेट मटेरियल से डिफरेंट कोटिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होंगी, तो इसमें आपके पास लेयर्स बन जाएगी, एक एलुमिना की, एक सिलिका की, एक किसी और मटेरियल की। सो यू कैन गेट मटेरियल सच एज कार्बाइड्स, बोराइड्स, नाइट्राइड्स ऑन डिफरेंट मेटल टू सर्फेसिस टू फॉर्म एंड टू फॉर्म द लुब्रिकेटिंग फिल्म्स। ठीक है, तो ये था सेकेंड प्रोसेस टू प्रोड्यूस थिन फिल्म्स। फर्स्ट हमने देखा वैक्यूम डिपोजिशन, सेकेंड है ये स्पटरिंग। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फिल्म्स, इट इज़ केमिकल वेपर डिपोजिशन। अब अगर हम केमिकल वेपर डिपोजिशन की बात करते हैं, तो इसके नाम में अगर हम देखें तो केमिकल वेपर डिपोजिशन मींस कि इसमें हमने केमिकल्स प्रोड्यूस करवाने हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो कि वेपराइज फॉर्म में होंगे, और फिर उनको आगे जाके डिपॉजिट करवाना है ऑन सम सबस्ट्रेट सरफेस। ठीक है, सो द सरफेस इज कोटेड विद वोलेटाइल स्टेबल केमिकल कंपाउंड एट टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सरफेस। सरफेस ने मेल्ट नहीं करना, उससे लो टेम्परेचर, मतलब साबित अगर वो मेल्ट कर जाएगा तो फ़ायदा ही नहीं है उसके ऊपर डिपॉजिट करवाने का किसी भी चीज़ को। सो द स्टेबल केमिकल कंपाउंड उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उसको कोट करेंगे, उसमें केमिकल चेंज होगा। मतलब अगर आपने किसी भी, जैसे यहाँ पे अगर जो है वो टाइटेनियम ब्रोमाइड है, और टाइटेनियम ब्रोमाइड से हमने थिन फिल्म किस चीज़ की बनानी है, सिर्फ टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की डायरेक्ट थिन फिल्म्स नहीं बन सकती। तो हम क्या करेंगे, टाइटेनियम को रिड्यूस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और इसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइटेनियम ब्रोमाइड रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, एंड इट प्रोड्यूस टाइटेनियम वेपर्स। अब वो देखें, केमिकल रिएक्शन हुआ है, वेपर प्रोड्यूस्ड हुए हैं, और उसी रिएक्शन मिक्सचर में, उसी एटमॉस्फेयर में, उस टेम्परेचर के ऊपर वो वेपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो किसी और मेथड से डिपोजिशन करवाना जो कि पॉसिबल नहीं है, वो इस मेथड में आप अचीव कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो इसी तरह से, अगर हम सिलिकॉन नाइट्राइड का देखें तो सिलिकॉन नाइट्राइड के वैसे प्रोड्यूस नहीं होते, हमने क्या करना है, सिलेन लेना है, सिलेन को रिएक्ट करवाना है अमोनिया के साथ एट अबाउट 900 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ये रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन सिलिकॉन नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड होगा और वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स थे जो यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थिन फिल्म्स, दैट इज़ वैक्यूम डिपोजिशन, स्पटरिंग एंड द केमिकल वेपर डिपोजिशन। अब इस तरह हमने थिन फिल्म्स तो बना ली, अब इन थिन फिल्म्स के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। पहले और बल्कि अभी भी काफ़ी इनको यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। ठीक है, इवन आज, पहले यूज़ किया जाता था डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, इवन टुडे दे आर आल्सो यूज्ड फॉर डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पर्पसेस टू फॉर्म कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड अदर टाइप ऑफ फिल्म्स इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब देखिए, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन्स दे दिए हैं, विच इज़ एक्चुअली कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की तरह वो काम करते हैं, और उसका जो सर्किट है वो बहुत कम हो गया, लिमिटेड हो गया है। अब वो कम किस तरह से हुआ है कि इन सर्किट्स पे एक्चुअली कंडक्टिंग मटेरियल्स की थिन लेयर्स डिपॉजिट होती हैं, सर्किट्स नहीं होते बल्कि फिल्म्स की फॉर्म में होता है, तो उसकी जगह कम से कम होती जा रही है, तो इनमें यूज़ होता है। इसके अलावा दे आर आल्सो यूज टू फॉर्म फोटोवोल्टिक डिवाइसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। अपने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फोटोवोल्टिक सेल करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो उसमें भी क्या करते हैं कि हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की थिन फिल्म्स उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। इसके अलावा थिन फिल्म्स आर आल्सो यूज एज ऑप्टिकल कोटिंग ऑन लेंस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस सरफेस एंड टू प्रोटेक्ट द लेंस। ये मैंने आपको अभी बात बताई थी कि आजकल लेंसेज के ऊपर कोटिंग चल रही है। इसके अलावा मेटल टूल सर्फेसिस आर कोटेड विद सिरेमिक थिन फिल्म्स टू इंक्रीज देयर हार्डनेस। मेटल हैं, हार्ड हैं, लेकिन मज़ीद उनको हार्ड करने के लिए उनके ऊपर सिरेमिक की एक बारीक सी लेयर कोट कर दी जाती है, जैसे हार्ड स्टील ड्रिल
इट मे बी कोटेड विद थिन फिल्म ऑफ टंगस्टन कार्बाइड. इसी तरह डायमंड थिन फिल्म दे आर यूज टू गेट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंट ऑन कटिंग टूल्स एंड टू इन्हेंस द हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ डायफ्रेंस इन ऑडियो स्पीकर्स. तो डायमंड आपको पता है सबसे सख्त सबसे हार्ड मटीरियल है और उसको अक्सर जगहों पे एज अ कटिंग टूल के तौर पे यूज़ करते हैं. तो उसकी थिन फिल्म अगर हम पूरा डायमंड की बजाय उसकी थिन फिल्म्स बनाएं और उसको यूज़ करें तो उससे कॉस्ट भी मतलब बचती है और आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट मटेरियल प्रोड्यूस्ड होता है विद गुड क्वालिटी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप सो कि तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.